Welcome learners to Unlocking Wits. As you know, we have completed subordinate conjunctions and subordinate clause also. Today we are taking coordinate clause. Coordinate means of equal rank. Coordinate clause is a clause which is independent, like principal clause. The difference is, coordinate clause is the clause that it starts with coordinate conjunctions. Okay, subordinate clause is the clause that it starts with subordinate conjunction. Coordinate clause is the clause that it starts with coordinate conjunctions. So you see, coordinate conjunctions are here. Fanboys, seven. There are seven coordinate conjunctions, and for them there is an acronym. Fanboys, for and nor, fan boys, B-O-Y-S, but or yet so. These seven are called to be coordinate conjunctions. Okay, but these conjunctions do also play the role of coordinate conjunctions, which are written below. So the meaning of these conjunctions also have been written on this blackboard. So you just study them. बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन conjunctions से जो clause शुरू होती है वही coordinate clause होती है, और उसका जो status होता है, the status of coordinate clause is independent. वो independent होती है अपने meaning में. Subordinate clause जो होती है वो independent नहीं होती अपने meaning में, वो बिना principal clause के पूरी नहीं होती है. तो ये subordinate clause है, बड़ा आसान है. इसके सबके मैंने meaning भी लिखे हुए हैं. इसमें क्या है, इसमें कुछ जो गलतियां हो सकती हैं, प्रोबेबल मिस्टेक्स. इसमें कोई प्रोबेबल मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि सिंपल जोड़ना होता है, वो सिंपल जोड़े रहते हैं सेंटेंस, कंजक्शंस रहते हैं साथ में. लेकिन एक दो जो गलतियां हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. तो इसमें कोई मिस्टेक्स होती नहीं है, बट अगर कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं जहाँ पर गलती होने की संभावना है, ये जो कंपटीशन के नज़र से इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक दो बताता हूँ. बल्कि एक ही है वो प्रॉब्लम जो होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के इस्तेमाल में, और वो है कोरिलेटिव कंजक्शन के इस्तेमाल में, जो ये हैं, इस जिनके दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. समस्या ये है कि इसमें दो कंजक्शन का पेयर है. ये इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एक सेंटेंस में जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आइदर इस्तेमाल होगा, दूसरे सेंटेंस में उसी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ और इस्तेमाल होगा. और ऐसे ही नाइदर जिसके साथ होगा, नॉर उसी के साथ होगा, नॉट ओनली उसी के साथ होगा, बट ऑल्सो उसी के साथ होगा. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही स्टडीड फिजिक्स, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, बट ऑल्सो मैथ्स. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें नॉट ओनली जो है वो किसके साथ इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, यहाँ पर बट ऑल्सो किसके साथ इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, ये गलत हो गया. हमें क्या करना होता है, हमें इसको नॉट ओनली जिसके साथ इस्तेमाल होगा उसी के साथ बट ऑल्सो होगा, पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि जो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है उनके साथ इस्तेमाल नहीं होगा. मान लिया इसको करेक्ट करने के लिए ये हम ही लिख दें, क्या लिख दें, नॉट ओनली ही स्टडीड फिजिक्स बट ऑल्सो ही स्टडीड मैथ्स, ये कर दें, तो भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल नहीं होता है. ही स्टडीज़ के साथ यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है ये, और ही स्टडीज़ के साथ यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है.
क्योंकि जो कोरिलेटिव कंजक्शन है वो नंबर एक तो यह है कि एक सेंटेंस में जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हैं दूसरे में उसी के साथ होते हैं, दूसरा कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो अगर हम इनको करेक्ट करें तो करेक्ट ऐसे होगा, ये कैसे होगा कि ही स्टडीड नॉट ओनली फिजिक्स बट मैथ्स ऑल्सो। कैसे करेक्ट होगा ये, नॉट ओनली सॉरी ही स्टडीड, क्योंकि ये जो कॉमन है इसके साथ नहीं होगा, ये ही स्टडीड स्टडीज, चलो ही स्टडीज नॉट ओनली फिजिक्स बट मैथ्स ऑल्सो। तो ना सिर्फ उसने अब हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, ना सिर्फ उसने फिजिक्स पढ़ी बल्कि मैथ्स पढ़ी। अब हिंदी में तो हम कह रहे हैं गलत, मतलब हिंदी में तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं मुझे पता नहीं है कि वो कॉमन पार्ट ऑफ, वैसे हिंदी में भी ये कहना चाहिए उसने न सिर्फ फिजिक्स पढ़ी बल्कि गणित भी पढ़ी, ऐसे कहना चाहिए, लेकिन हम ऐसा भी बोल देते हैं कि उसने न सिर्फ मैथ्स पढ़ी बल्कि वो भी पढ़ी। तो ये हिंदी में ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये कोई हिंदी का एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता है। इंग्लिश में ये बात कोरिलेटिव कंजक्शन है और वो तीन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये नंबर एक क्या होगा, कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होंगे नहीं होंगे, क्या है ये बात कंप्लीट हो गई है कि कोरिलेटिव कंजक्शन जो कि ये हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक सेंटेंस में जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हैं दूसरे में भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हैं। ओके तो मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन फिर कर दूंगा कि ये जो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, अब देखिए आपके पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपने क्या किया है कि ये जो हैं एक पार्ट में है, ये दूसरे पार्ट में है, ठीक है। तो आपके पास कोई सेंटेंस है तो आप उसके ये पार्ट अगर आपने सब्जेक्ट के साथ लगाया है तो ये पार्ट भी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, बशर्ते कि ये दोनों कॉमन नहीं हों, कॉमन नहीं होने चाहिए। और अगर ये वर्ब के साथ लगा है तो ये भी यहाँ पर भी वर्ब के साथ लगेगा, फिर वही बात, बशर्ते कि वर्ब्स कॉमन ना हों। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ लगा है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा, फिर वही बात, कॉमन नहीं होना चाहिए बस। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं एक दो आपको दे देता हूँ, जैसे नाइदर ही वेंट टू स्कूल नॉर स्टेड स्टेड एट होम। अब देखिए, अब यहाँ आपने नाइदर क्या लगा दिया, ही के साथ लगा दिया, यहाँ नॉर वर्ब के साथ लगा दिया, ये गलत हो गया। तो आपको जो नाइदर है वो कहाँ लगाना चाहिए, वो आपको लगाना चाहिए वेंट के साथ, ही नाइदर वेंट टू स्कूल नॉर स्टेड होम, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी नहीं कर सकते थे कि नाइदर ही वेंट टू स्कूल नॉर ही स्टेड होम, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि ही जो है वो एक इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसलिए तो नहीं लिखा है यहाँ पर वो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है, और ये सभी के साथ सच है कि जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं वो नंबर एक कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नहीं आते हैं, नंबर दो एक सेंटेंस में जिस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आते हैं दूसरे में भी उसी के साथ आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपको पता लग गए। अब मैंने बताया था कि एनालिसिस में आपको तीसरी चीज़ क्या होती है कि हाउ टू नेम द सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो देखिए जिस सेंटेंस में सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो होता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और बीच में कंजक्शन होता है, या फिर कंजक्शन होता है ना, और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है फिर प्रिंसिपल क्लॉज होती है, यानी कि जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है, या जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ा जाता है सेंटेंस को, दो सेंटेंस को हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं, उनमें सबॉर्डिनेट कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हुए जोड़ा जा सकता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम जो अगला लेसन होगा सिंथेसिस, जिसके लिए कि ये सब तैयारी मैं आपको बता रहा था, उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंसेस को जोड़ा कैसे जाता है, और कई सारे सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, और एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा अगर प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से जोड़ करके जो सेंटेंस बनते हैं वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये हुआ कि जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा सिंथेसिस, जिसमें दो तीन चार जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ करके एक सेंटेंस कैसे बनाया जाए, वो एक सिंपल कैसे बनाया जाए, वो एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाए, वो एक कंपाउंड कैसे बनाया जाए, ये अब हमारे अध्ययन का विषय होगा। धन्यवाद।